नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं खंदौली क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में। और यहां पर 37-97 आलू की खुदाई चल रही है। कैसी पैदावार निकल रही है, क्या है स्थिति, भैया पूरी जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे। निवेदन आपसे यही रहेगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखनी है, कितनी पैदावार निकली है, कितना स्थिति आकलन करने के बाद में क्या रहने वाली है, भविष्य क्या कह रहा है आलू का, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी भैया देंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, नाम बताइए, अपना परिचय। रोहित जुरेल। रोहित जुरेल, हाँ जी सर। गाँव गोविंदपुर। इस समय पर जो पैदावार निकल रही है वो कैसी निकल रही है? सही निकल रही है, मतलब पैदावार 60-65 एवरेज आ रहा है, बढ़िया अच्छी निकल रही है। साइज़ में भी अच्छा निकल रहा है, मतलब एक ही तरीके का साइज़ ज़्यादातर एक ही तरह जैसा निकल रहा है इधर। और अलग अलग खेतों में अलग अलग तरीके से, मतलब वो है जैसे हम देख रहे हैं खंदौली क्षेत्र में और लगातार हम निरीक्षण भी कर रहे हैं, पैदावार का सही आकलन और सही वो नहीं मिल पा रही है। नहीं सर, पैदावार सही निकल रही है इस बार, सही है। पिछली बार की, अगर मैं पिछली साल की बात करूं, पिछली साल से इस साल में कितने का अंतर आया है? पिछली साल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या कितने पैकेट की? पैकेट तो मैं ऐसे अभी नहीं बता सकता, पैकेट तो जब पूरा वो होगा उसके बाद बताऊँगा, पर पहले के मुताबिक ज़्यादा आलू, सही आलू निकल रहा है। सही निकल रहा है। अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने 37-97 कौन सा है? ये चंबल का बीज है सर। चंबल का, नया है या पुराना है ये? सर एक साल पहले का है, कुछ नया है। अगर मैं बात करूँ जो एक दो साल चल गया है उसमें कितनी पैदावार आ रही है? उसमें 60 कट्टा बीघा। 60 कट्टा बीघा। और जो नया है? नया है सर, उसमें भड़के आ रही है। बढ़कर आ रही है, हाँ जी। फिलहाल आप देख लीजिए, इसमें ये रहा आलू का ढेर, और दिखाइए आलू का ढेर दिखाइए, और यहाँ पर आप खुद देख लीजिए पूरा लगा हुआ है, और आप यहाँ पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। और देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए ढेर इधर से जितना भी आप वो करेंगे, देखिए ये आपके सामने ढेर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आ रही है इस समय भैया इस समय ये आ रही है कि मौसम जो है काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, फरवरी का महीना चल रहा है और टेम्परेचर हाई है। हाँ जी सर, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर गर्मी तो सर बढ़ेगी, तो इस चक्कर में आगे तो गर्मी बढ़ेगी, तो इस चक्कर में अपना अभी अपना काम करवा के हम अपना पूरा क्लियर कर लें पूरा काम। ऐसा सुनने में हाइब्रिड में ब्लाइट की शिकायत आना शुरू हो गई है, क्या ये सही बात है? सर हाइब्रिड उसमें ब्लाइट का हाँ कुछ जगह शिकायत है जो हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ जी, अगर मैं बात करूँ के कारण आपका इस समय पर ये गोविंदपुर में ये कितने बीघा खेत है, ये पूरा जो खेत जिसमें आपने ट्रैक्टर 4-5 लगाए हुए हैं? सर ये टोटल मिला के तो सर 250 बीघा कुछ है। 250 बीघा यहाँ आसपास, सादाबाद चंदपा, वहाँ पर चंदपा का मुझे इतना आइडिया नहीं है, सादाबाद में, हाँ सादाबाद में मेरे पे खेत है करीबन 150 बीघा। 150 बीघा, हाँ जी। फिलहाल जो पैदावार है वो सही आ रही है? हाँ सही आ रही है इस बार। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, क्या नाम है भैया आपका? टिंकू। कहाँ के रहने वाले हैं? सादाबाद के। ये बताइए इस समय पर जो पैदावार है उसका क्या आकलन कर रहे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है आपका? मनोज। पैदावार का रेशियो कैसे देख रहे हैं, कितने पैकेट का बीघा निकल रहा है? 60-65 का पैदावार सही है कुल मिलाकर? हाँ पहले तो सही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा दिख रहा है? ज़्यादा सो दिख रहा है। तो भैया आपको ज़्यादा सो दिख रहा है? और का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मज़ा आएगा किसान की, मज़ा आएगी। और का मोटो ज़्यादा है? मोटो बहुत है, बम्पर ही बम्पर है। और के और आप सही बात है, और क्या मोटा आलू निकल रहा, बहुत मोटा ही ज़्यादा है। मोटा ज़्यादा, किसानों को ज्यादा मज़े आएंगे, मज़े आ जाएंगे। मोटे से कितने कट्टे का बीघा निकलेगा? बहुत ज़्यादा ही निकलेगा, और बल्कि ज़्यादा ही निकलेगा। हाँ चलिए भैया, एक बात आ रही है भैया बता रहे हैं मजदूर, देखिए साइज आप देखिए इस कैमरा, आप उठा के दिखा दीजिए, क्योंकि हमका उठाएंगे तो हम किसान जो कहता है कि आप ना बम्पर दिखा देते हो, आप खुद उठा के दिखाइए अपना साइज। ये भैया ये साइज, आलू के ये साइज है। हाँ जी सर, और बाकी मतलब सही साइज है। अच्छा साइज, पूरा टोटली एक ही सामान है? ज़्यादातर एक ही जैसा है इस बार, ज़्यादा बम्पर से तो मार्केटिंग नहीं होती है, जो साइज चाहिए व्यापार दृष्टिकोण से वो तो मीडियम ही चाहिए। मीडियम, बाकी जितना जैसे कि मोटा है और ये है, इसी साइज का आलू चाहिए? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और इस समय पर आपका यही है? हाँ जी सर। जो उन लोगों के लिए भैया क्या कहना चाहेंगे जो कम पैदावार बता रहे हैं, और वो भी खंदौली में?
कुछ आज भी आपने पेपर में पढ़ा होगा जिसमें किसी मीडिया कर्मी को पैसे दे के उल्टा सीधा छपवा दिया। सर ये ऐसा होता है, बीज का फर्क होता है। तो कुछ 37-97 कुछ यूज़ करते हैं, कुछ चंबल का यूज़ करते हैं, तो इस चक्कर में सर फर्क आ जाता है। भैया मुझे एक बात बताइए, आप लगभग मुझे लग रहा है 500 बीघा के जोता हैं, किसान हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि जो नया बीज होता है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, और जो कितनी बार चल जाता है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है? नया बीज सर 2-3 बार हो जाता है। 2-3 बार हो जाता है तो अच्छी प्रोडक्शन देता है, और उसके बाद सर वो करना पड़ता है, हमें परचेज़ करना पड़ता है। जो उसी बीज को बार बार प्रयोग करते रहते हैं उनका उसमें थोड़ा फ़र्क आता है, पैदावार वगैरह प्रोडक्शन गिरता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे साथ में किसान साथी मजदूर मौजूद हैं जो कि आलू की छटाई का काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ में आंटी जी मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ आंटी जी क्या स्थिति है? सही मोटा ज़्यादा निकल रहा है, बढ़िया निकल रहा है। गुल्ला गुल्ली कुछ जो कहते हैं कि गुल्ला गुल्ली निकलती है, क्या वो है? गुल्ला है का है, गुल्ला और मोटो, मोटो सबसे ज़्यादा है, गुल्ला कम है, किर्री सबसे कम है, मतलब मोटा ही मोटा ज़्यादा है। हाँ मोटा ही मोटा ज़्यादा है। तो मैं बात करूँ आपके इधर जो है कितने कट्टा की पैदावार आ जाएगी एक बीघा में? 65 की आ जाएगी। देखिए यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। और देखिए ये आलू छटाई का काम कर रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? विपिन। विपिन भैया कैसा आलू है छटाई में आ रहे हैं? मोटा ज़्यादा है। ताई मौजूद हैं, मैं ताई से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि पैदावार जब मजदूरी छटाई करते हैं ना तो इन्हीं को पता होती है क्या स्थिति है। मैं पूछ लेता हूँ ताई जी। नाम राम राम। राम राम। आता हूँ, आलू छाट रही हैं? हाँ। कैसी पैदावार है? सही है पैदावार। साइज कैसा निकल रहा है? मोटा ज़्यादा निकल रहा है। हाँ। गुल्ला गुल्ली? गुल्लू सही है। मतलब जो आलू ज़्यादा है वो कौन सा है, मोटा या गिल्ले गुल्ला? मोटा ज़्यादा है। क्या कट्टा की पैदावार आ जाएगी? 65 की आ जाएगी, ठोक बजा के। हाँ चलिए, ये हैं मजदूर जो कि बता रहे हैं आपको कि पैदावार इस समय पर खंदौली क्षेत्र में कैसी है, और आपने इनकी बात भी जान ली, 65 ही ये बता रही हैं। ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल सही है। क्या कह रहे थे? अच्छा देखिए ये ताऊ जी भी ताऊ जी 70 का बता रहे हैं। जो 70 का आएगा ना उधर साइड में 70 का आएगा, और इसमें 65 का आएगा, तो साइज मोटा ही निकल रहा है। चलिए यह, और आपने जाना खंदौली गोविंदपुर, यहाँ आपने पूरा स्थिति स्पष्ट बड़े भाई ने कर दिया, पैदावार जो है काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी अच्छी पैदावार निकल रही है। ऐसे में खेता खेती निकल सकती है। भैया ने कहा जो 3 या 4 बार लगातार बीज नहीं बदल रहे हैं, उसी बीज को बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उनका ही प्रोडक्शन गिरा हुआ आ रहा है, बाकी जो नया बीज यूज़ कर रहे हैं या 2-3 साल का गैप करके कर रहे हैं उन्हें अच्छा प्रोडक्शन इस बार खंदौली क्षेत्र में मिल रहा है। बहरहाल सच्चाई यही है कि प्रोडक्शन ओवरऑल सही है, बाकी झूठ बोलने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाले बहुत रहे हैं। यहाँ ग्राउंड जीरो पर मैं था, खंदौली में अच्छी पैदावार इस समय पर देखने को मिल रही है। बहरहाल मेरे साथ में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।